नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आपको दिखाएंगे, हम टोहाना बाईपास पर हैं और आपको दिखाएंगे कि कितने टायर हैं इस ट्राले के। और ये फतेहगढ़ साहिब जाएगा, गुजरात से आया है, गुजरात से आया है ना, हाँ तो बताया है इन साथियों ने, गुजरात से आया है। और देखिए टोहाना बाईपास पर लगभग 10 दिन की परमिशन लेके यहाँ खड़ा है, क्योंकि आगे डाउनिंग इन्होंने बोला कि तार जो लाइटिंग वगैरह की तारें हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है और तभी यहाँ से निकलते हैं। तो 10 दिन के लिए यहाँ रुका है, जब आगे परमिशन मिलेगी तो चलेगी। तो आपको दिखाएंगे कि कितने टायर हैं इसके। तो देखिए इसको कितना समय लगेगा, ये गुजरात से चले और फतेहगढ़ साहिब जाएगा, क्या है इसके अंदर बड़ी, एक बहुत बड़ी मशीन है। देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ रोक के रखा है और 112 की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पहुँची हुई है। पूरा का पूरा एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, महाराष्ट्र का नंबर है गाड़ी का जो इसको लेके चलती है। देखिए रोड लाइन्स PVT LTD, ये देखिए ओडीसी सिक्योरिटी भी यहाँ पर चलती है, ये वहीं से आई है, MH नंबर है इसका। तो मैं आपको दिखाऊंगा और एक गाड़ी और यहाँ खड़ी है, ये देखिए ये गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में क्यों खड़ी है। और 112 भी यहाँ पर है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। एक बार फिर मैं वही लोकेशन पे लेके चलता हूँ आपको, एक बार यहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाया है और इस गाड़ी के कितने टायर हैं, कहाँ ये जाएगी, पूरा का पूरा जो यहाँ इसका यूनियन है वो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ शायद कैमरे भी इसको लगे हुए हैं, अभी पता नहीं कितना समय है जो लगेगा। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो 60 टायर ट्रक की है। ये देखिए सर, क्या नाम है आपका? मुंटू खान। कहाँ से आए हैं? गुजरात कानापुर से। गुजरात के कानापुर से आए हैं, तो कहाँ जाएंगे? जाएगा फतेहगढ़ साहिब। हाँ जी फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, क्या क्या मशीनरी क्या है इसके अंदर? ये कपड़ा धागा का है। धागा का, कपड़ा का फैक्ट्री ना उधर? हाँ हाँ, उसमें जा रहा है, कपड़ा फैक्ट्री में जाएगा। हाँ। ये धागा मिल के अंदर? हाँ धागा मिल। धागा मिल। तो यहाँ पहुँचे टोहाना, कितने दिन से रुके हैं यहाँ पर? इधर तो एक हफ्ता। एक हफ्ता, कितने दिन और रुकेंगे? ये तो पता नहीं, आज परमिशन निकल जाएगा तो हम लोग भी निकल सकता है। तो परमिशन किस चीज की लेनी पड़ती है आपको? वो इलेक्ट्रिशियन पे, इलेक्ट्रिक वाला को लिखे। हाँ जी, वो बंद जिस टाइम देगा तो बंद करके निकलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो लाइट का परमिशन लेके निकलना पड़ता है, ऊपर तारों के अड़ जाता है ये। हाँ, वो बाम्बू से बंद करना पड़ेगा, फिर बाम्बू से उठाना पड़ेगा। अच्छा, उठा के फिर इसको लेके जाना। अच्छा, तो इसके टायर कितने हैं? 80 टायर, कूलर पकड़ के 90 टायर। 90 टायर है उसको पकड़ के, उसको जो खींचता आगे। तो वो 4x4 है? 520। अच्छा 520 है जी। तो कितने दिन तक वहाँ तक पहुँच जाओगे फिर? हम लोग को तो 2 महीना बताई लग ही गया वहाँ से, गुजरात से चले हुए 2 महीने हो गए। दो महीने से चल रहे हैं, कितने लोग हैं आप? हम लोग 10-12 आदमी हैं। अच्छा 10-12 आदमी हैं, तो सभी इसी में काम में लगे रहते हैं? इसी में काम। अच्छा, साथ में रखते हैं सब कुछ? खाना पीना सब, पानी का मटका भी रखा है? तो साथ में रखते हैं? साथ में रखते हैं। और ठंडी पानी, अभी धूप का टाइम पे गाड़ी चलेगा ना, उस टाइम पानी का बहुत गर्मी हो जाता जी, इसलिए उसमें ठंडी करने के लिए, फिल्टर करने के लिए रखा। ठंडा मटके में ठंडा रहता है? हाँ। जो कूलर फ्रिज, कूलर का फ्रिज का पानी नहीं पीते? कूलर नहीं, कूलर नहीं रखते आप? नहीं, फ्रिज, फ्रिज भी नहीं रखते। अच्छा अच्छा, मटके का पानी पीते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है मटके का पानी? अच्छा लगता है। हरियाणा के अंदर कितने दिन से आ रहे हैं आप? 10-15 दिन हो गया हरियाणा में आए हुए। तो कैसा लगा हरियाणा आपको? अच्छा ही लगा। जो आपने हरियाली देखा है, यहाँ का एरिया देखा है, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल लग रहा है हरियाणा में। हाँ, हाँ। गुजरात में और हरियाणा में क्या फर्क है? कुछ नहीं, नहीं कुछ। तो जैसे कि आपने सुना है, साथी काफी खुश नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं ये 90 टायर इसको बताए गए हैं पूरे टोटल मार के। और आप देखिए, अरे सर क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है। तो यहाँ की
कितने दिन से रुके हैं आप? हम लोग तो 10 दिन हो गए करीब। अच्छा अच्छा, जो ये ट्रक वाला है क्या आरोप लगा रहा है? ये तो हम लोग खड़ा है, बस गया, मैं इधर बैठा था, मैं ही बस गया। अच्छा, इसके अंदर लगा है वो, है वो ऊपर मारा है, ऊपर लगा दिया। देखियो भाई, ट्रक वाला खड़ा है ना, इसने इसके अंदर बिठा दिया है। और 112 बुलाइए, उसी ने बुलाइए, ये तो पता नहीं कौन बुलाया। अच्छा, तो आपको हरियाणा के अंदर कितने दिन से है? हरियाणा का अंदर तो हो गया 1 महीना। हरियाणा में तो कैसा लगा हरियाणा आपको? मस्त हरियाणा। हरियाणा मस्त है, मस्त है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, पानी का दिक्कत नहीं, मार्केट का दिक्कत नहीं, खाना का दिक्कत नहीं है। देखो गाड़ी पास होने के बाद दिक्कत लगा बस। तो सब सही है हरियाणा में? सब सही है। कितने टायर हैं इस गाड़ी के? इसमें 90 टायर है। 90 टायर है, तो गुजरात कांडला से आ रहा। गुजरात कांडला से आएगा, जाएगा कहाँ? पंजाब साहिब, फतेहगढ़ साहिब। तो कितने दिन में पहुंच जाओगे वहाँ? ये कोई टाइम टेबल नहीं, ये जैसे रोड में जैसे दिक्कत होता है उसमें फड़ करके निकलना पड़ता है, परमिशन की बात है। तो आप देख सकते हैं इसी में खाना पीना सब इसी में है, 90 टायर हैं। और ये देख सकते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे चारों तरफ से कि यहाँ पर जो 90 टायर का ये ट्राला पहुँचा है फतेहगढ़ साहिब, ये जाएगा और कांडला से आया है गुजरात से। देख सकते हैं 10 दिन से यहीं रुका है ये, और ये रुका है, एक ट्रक आया और इसके अंदर दे मारा, उसने 112 भी बुलाई है, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए साथ में रखते हैं खाना पीना सब, जो 90 टायर हैं इनके ट्रक के, 90 टायर हैं यहाँ दिखाए आपको। तो देख सकते हैं मौसम का भी इन्होंने बताया कि सब साथ में रखते हैं। और आप देख सकते हैं ये MP का नंबर है, महाराष्ट्र का नंबर है। और साथ में रहते हैं। और ये था वो ट्रक बताया था, जो उसने बताया कि मैं भी बच गया, ये ट्रंक इसमें लगा था, ट्रंक लगा है लेकिन रास्ता बहुत है, बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे लगा दिया इन्होंने, 112 भी बुलाई हुई है। आप देख सकते हैं रास्ता काफी है लेकिन पता नहीं कैसे लगा है। देख सकते हैं ये ट्रक इसके अंदर लगा है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बाहर का नंबर है, NL नंबर है। और 112 भी यहाँ पहुंची है, देख सकते हैं। सर क्या मामला है? सर ये मामला, ये कंटेनर वाला की कॉल आई कंट्रोल में 100 नंबर पर, और कंट्रोल से हमारे पास कॉल आई वो एक्सीडेंट हुआ है जी, इससे लोकेशन पूछी गई तो हम आए जी। ये कोई सामान है धागा मिलगा जी सर, रास्ता भी है इसके पास को जाने के लिए, काफी रास्ता है, 2-4 ट्रक अब भी गए हैं हमारे पास भी जी, गुजरे हैं बिल्कुल। तो ड्राइवर की गलती की वजह से टच हुई गाड़ी जी, ये नुकसान हो गया जी जी जी, कोई चोट चाट तो किसी का है नहीं कितनी जी, बस ये नुकसान हो गया है जी। अभी ड्राइवर कह रहा है मेरी कंप्लेंट लिखो, ड्राइवर की क्या कंप्लेंट लिखी जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 112 मौके पर पहुंची है, रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पट्टी खाली है, लेकिन कैसे लगा है क्यों लगा है पता, ड्राइवर से भी बात कर लेते हैं भाई इतना रास्ता होते हुए कैसे लगा, ये चल रहा था या यहीं खड़ा था? तो ड्राइवर हमारे साथ हैं, कैसे लगा भाई साहब ये? ऊपर ही अड़ गई उसमें अड़ गई, तो वो चल रहा था कि यहीं खड़ा था? यहीं खड़ा है। तो क्या किस तरह से नींद नींद आ गई थी आपको? ये कुछ नहीं, नींद नहीं आ गई थी, ये दिख रही नहीं। हाँ उसमें अड़ गई वो, तो 112 आपने बुलाई है, तो अब क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हो गया हो गया बिल्कुल, 112 पहुंची है, मुस्तैद है 112, आप देख सकते हैं 222 वीट नंबर 222 है। और टोहाना प्रशासन की मैं बात कहूँ, 112 की मैं बात करूँ, तो लगभग कॉल आने के बाद 3-5 मिनट में मौके पर पहुंच जाती है। टोहाना के अंदर अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, टोहाना के अंदर पूरी मुस्तैद रहती है 112, कहीं भी कॉल आती है तो झट से 5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाती है और मौके को संभाल लेती है। यही खासियत है टोहाना प्रशासन की, लगातार इस प्रकार के काफ़ी मामले हमने देखे हैं कि मौके पर पहुँच जाती है। और ये जो आपको दिखाया था, ये जो कंटेनर है वो आया था और इसमें ऊपर से लगा है 112 उन्होंने बुलाई थी, लेकिन